हेलो दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका भी अकाउंट है, ठीक है, उसका एटीएम आपके पास नहीं है आया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से जो एटीएम मंगा सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक का। जैसे कि मेरे तरह से मैं भी एयरटेल पेमेंट बैंक चलाता हूँ, मेरा भी एटीएम आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने घर बैठे अपना एटीएम मंगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में यही सब बताऊँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड मेरी वीडियो अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो चलिए हम चलते हैं जो है अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो देखते हैं कैसे आप अपने एटीएम को मंगा सकते हो, ठीक है। सिंपली चलिए एयरटेल पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैनेज, सबसे पहले आपको मैनेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब अगर आप अकाउंट खुलवाए हो तो ठीक है, आपको मैं एटीएम बताऊंगा कैसे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद चलिए मैं अपना एटीएम दिखाता हूँ। उसके एटीएम देखने के लिए आपको ऊपर साइड में क्लिक करना है। चलिए इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माई सर्विस बैंक प्रोफाइल, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स से मेरा नंबर है और उधर से मैंने बहुत सारा फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बैंक प्रोफाइल पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपना एटीएम आपको दिखाता हूँ मेरा एटीएम की तरह, ठीक है। सिंपली उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिवार्ड 1, 2, 3 पे, क्योंकि मैंने रिवार्ड लिया हुआ है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। सिंपली नीचे स्क्रोल करेंगे तो मेरा देख सकते मेरा एटीएम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मेरे देख सकते माई प्लेटिनियम कार्ड अभी मेरा वाइट है, अभी मेरा जो है नेट स्लो चल रहा है इसलिए वाइट दिखा रहा है, नहीं तो मेरा प्लेटिनियम में दिखाता, तो अभी थोड़ा नेट को फास्ट कर लेते हैं ताकि ये प्लेटिनियम में दिखाने लगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो मेरा एम पिन मांग रहा है, तो चलिए अभी एम पिन इसको नहीं देंगे, ठीक है। बैक आएंगे तो यहाँ पे जैसे ऊपर साइड में लिख रहा है वर्चुअल डेबिट कार्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो है ये जो एटीएम कार्ड जो है तो एटीएम कार्ड है, लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो वहाँ पर जैसे कि फ्लिपकार्ट में एटीएम कार्ड मांगता है, तो उसमें आप एटीएम कार्ड के नंबर पर इस ऐप जो है इस एटीएम का नंबर यहाँ पर जो है एटीएम नंबर दे रहा है इसका, जो अगर आप वहाँ पर भर दोगे तो आप जो है यहाँ पर जो है आप शॉपिंग कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के एटीएम को घर नहीं मंगा सकते तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, अपना एम पिन डाल करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने का, जैसे मैं अपना एम पिन इसमें इंटर करूँगा तो मेरा जो है पूरा जो है एटीएम कार्ड शो कर देगा कि क्या क्या कार्ड नंबर है और क्या 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 है, ठीक है, पूरा शो कर देगा। तो ऐसे जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पे बहुत से फेक वीडियो बना रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम मंगा सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम आप नहीं मंगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर झूठ कभी नहीं मिलता है, ठीक है, आपको सच ही देखने को मिलेगा, ठीक है।